बिसमीमल वेलकम बैक माय केजी क्लास आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सब मजे में होंगे और खैर खैर के साथ अपने घरों में अपने स्कूल्स में लर्निंग को इंजॉय करें होंगे एंड योर बुक्स आर विद यू एंड यू आर रेडी फॉर द लेसन सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन स्ट्रेट अवे एंड वट वर वी डूइंग इन द प्रीवियस लेसन हु कैन रिकॉल दैट यस वी वर डूइंग स्मॉल लेटर्स एंड वी डिस्कवर्ड दैट सम स्मॉल लेटर्स आर स्काई लेटर्स सम आर grass letters and ग्रास लेटर्स एंड shabash तो शाबाश जिनको याद था जिनको नहीं याद वो जल्दी से अपना पेज पलट के देख लें कि हमने क्या काम किया था ताकि उनको भी याद हो जाए लेकिन यू डोंट नीड टू वरी अगर आपको ये तीन टर्म्स अभी भी याद नहीं हुए तो आज हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे वो आपको याद हो जाएंगे टीचर्स कोशिश करें कि बच्चों को स्काये ग्रास और रूट लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन आपने लाजमी करवानी है क्योंकि फ्यूचर में इनकी राइटिंग के लिए इनका इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है बिकॉज देर के जी क्लास एंड दे आर गेटिंग रेडी टू गो टू ग्रेड वन सो आर यू एक्साइटेड चिल्ड्रेन आई एम एंड लेट स्टार्ट विद लेसन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम वार्म अप एक्टिविटी और वार्म अप एक्टिविटी में क्या करेंगे कि हमने जो लेटर्स सीखे थे आज एक दफ़ा उनको फिर से रिकॉल कर लेते हैं दे वर थ्री थ्री वेज इन विच लेटर्स आर रिटर्न दे आर नोन स्काई लेटर्स ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स तो थोड़ी सी रिविजन अभी आप मेरे साथ करेंगे और उसके बाद जब टीचर आपसे कहेंगी कि आप उनको बोर्ड पर या सैंड बॉक्स में आ, या फ्लोर पे या किसी भी मीडियम पे sky, कोई स्काई लेटर या कोई ग्रास लेटर या कोई रूट लेटर लिख के दिखाएं तो आपने उनको जल्दी से वो लिख के दिखाना है बट रिमेंबर ऑल दीज लेटर्स दी एल्फाब्स ऑफ द इंग्लिश लेटर्स रिटर्न इन

एंड यानी स्मॉल लेटर बी स्मॉल लेटर डी स्मॉल लेटर एफ स्मॉल लेटर एच स्मॉल लेटर के स्मॉल लेटर एल और स्मॉल लेटर टी ये तमाम स्काई लेटर्स हैं ये फर्स्ट लाइन से हम लिखना शुरू करते हैं एंड देन वी एंड देम अप ऑन द थर्ड लाइन तो ये प्रैक्टिस आपने पहले भी की थी तो आज चूंकि हम रिवाइज़ करें रिकॉल करें हैं तो जल्दी से अपने इस कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लें नेक्स्ट कम्स द ग्रास लेटर्स ग्रास लेटर्स कौन से थे बच्चों जो मिडिल की टू लाइंस में हम लिखते हैं शाबाश तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट कर लें क्योंकि आपने भी लिखने हैं स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर सी स्मॉल लेटर ई स्मॉल लेटर आई स्मॉल लेटर एम शाबाश पढ़ते जाए स्मॉल लेटर एन स्मॉल लेटर ओ स्मॉल लेटर आर स्मॉल लेटर एस स्मॉल लेटर यू स्मॉल लेटर वी स्मॉल लेटर डब्ल्यू एंड स्मॉल लेटर एक्स एंड द लास्ट वन इज स्मॉल लेटर जी शाबाश जो मेरे साथ रिपीट करे थे वेल well डन और अभी एक लास्ट टाइप के लेटर्स रह गए एंड आर कॉल्ड द रूट लेटर्स तो स्काई ग्रास एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज नाउ रूट लेटर्स तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए रूट लेटर्स आर द स्मॉल लेटर जी द स्मॉल लेटर जे द स्मॉल लेटर पी द स्मॉल लेटर क्यू द स्मॉल लेटर वाई शाबाश वेल डन टीचर्स इफ़ यू थिंक ये रिविजन की जरूरत और है तो आप इनको दोबारा रिपीट करवा सकते हैं लेकिन अब इनका टास्क ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर आपको स्काई ग्रास और रूट लेटर्स लिख के दिखाने हैं तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और क्लास में उनको मुख्तलिफ मटीरियल जो है वो रोटेशन में दे दें एक ग्रुप को सैंड बॉक्स दे दें एक ग्रुप को बोर्ड पर बिठा दें एक ग्रुप को चौक दे दें एक ग्रुप से कहें कि वो टेबल पे प्लेट ऑफ से बना दे जैसे भी आपको रिसोर्स अवेलेबल है इजीली आपने उसको मैनेज करना है लेकिन कोशिश करनी है कि बुक के पेज के ऊपर काम करने से पहले बच्चे आपको जब आप कोई टर्म इस्तेमाल करें जैसे ओके राइट मी टू स्काई लेटर्स तो वो आपको खुद से लिख के दिखाए सो दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी टीचर्स प्लीज पॉज द दीडियो स्टूडेंट इन टू ग्रुप्स एंड गिव दम टू Trace the sky, grass and and root letters and I will be स्काई ग्रास Sky, रूट लेटर्स letters की विल के बाद बच्चों अब हम अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला टास्क है इंडिविजुअल एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जो अब आप खुद से करेंगे अपनी किताब के सफ़े के ऊपर तो आज जिन बच्चों ने इन लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस की है उनके लिए टास्क यह है कि आज वो खुद से अपने अल्फाबेट्स स्काई ग्रास और रूट लेटर्स को अपनी किताब के दिए हुए फोर लाइंस के ऊपर खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेस करेंगे टीचर्स बच्चों को पेंसिल इस्तेमाल करने दें लेकिन प्लीज कोशिश करें कि आप बच्चों को रश या स्पीड में काम करने को मत कहें लेट देम टेक टाइम बिकॉज उन्होंने राइटिंग के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि किस लाइन से लेटर नहीं शुरू होना है और किस लाइन पे ख़त्म होना है सो लेट देम टेक दाइम गिव देम गुड टेन टू ट्वेल्व और फिफ्टीन मिनट्स अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो राइटिंग के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ा और टाइम दे दें लेकिन उनको ये बुक का पेज दीजिए जो अभी आपको जिनपे आप कॉन्फिडेंट हैं कि दे नो दिज टर्म्स एंड दीज लेटर्स सो प्लीज़ पॉज द वीडियो कंप्लीट दिस पेज एंड देन कम बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी स्काई ग्रास रूट लेटर्स की इंडिविजुअल राइटिंग शाबाश बच्चो वेल्डन एंड क्लैप फॉर यूर सेल्फ यू डन अ वंडरफुल जॉब आज तो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया कि आपने स्काई लेटर्स ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स को पहचान भी लिया Or four lines may piara piara likhna seek bilia. So, dear teachers, if you have any new students in your classroom, they are still struggling to write. So, provide them a worksheet with traces uh, with traced letters so that they can uh, uh, join the dots and write the letters, the capital letters and the uh, small letters. But make sure that all students are on the same page before you begin.

जमीन के ऊपर या सड़क के ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हैं आप चाहें तो कैपिटल और स्मॉल एटर्स भी लिख सकते हैं एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन ड्रॉ फोर लाइंस एंड मेक द स्टूडेंट्स राइट ऑन दैट ऑन द ग्राउंड और ऑन द रोड विद द हेल्प ऑफ अ चॉक सो so मीडियम्स को आपने मुख्तु तरीक़ों से इस्तेमाल करना है लेकिन ये कोशिश करनी है कि जो टास्क जिस दिन का है वो बाय द एंड ऑफ द डे अचीव हो जाए क्योंकि दिस इज केजी क्लास एंड स्मार्ट चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एन्जॉय प्ले ग्राउंड एक्टिविटी वर्कशीट एंड ब्रिंग द नेक्स्ट डे फॉर चेकिंग टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज